आदाब जैन मैं नजीर शेख न्यूज एनी टाइम रिपोर्टर छिनावल शहर से। हम इस वक्त खड़े हैं खिरोदा रोड दलित बस्ती में। यहाँ पर जो भूमि पूजन अभी इस वक्त हुआ है, तो यहाँ पर कुछ ग्राम पंचायत सदस्य है, सरपंच है, कुछ कर्मचारी है और बाकी के नागरिक हैं। यहाँ पर कुछ उनसे अपन जानकारी लेंगे यहाँ पर कि किस तरह का जो भूमि पूजन हुआ है यहाँ पर। तो अभी हम बात करेंगे भावना ताई बोरोलो से, जो यहाँ के सरपंच है चिनावल से। बता सकते हैं आप जैसा मतलब यहाँ पर क्या कौन सी निधि से आपने यहाँ पर काम स्टार्ट किया है? दलित बस्ती सुधार योजने अंतर्गत आम्ही इथे 5 लाखाची कामाची तरतूद केलेली आहे आणि रस्ता काँक्रीटीकरण इथे होत आहे। आता त्या कामाचं आता आज रोजी भूमिपूजन झालेलं आहे। उसके बाद यहाँ पर जो है ग्राम विकास अधिकारी जो है उनसे हम बात करेंगे कि किस किस खैरनार सर यहाँ पर जो आगे और किस किस जो जगह पे यहाँ पे विकास काम का भूमि पूजन होगा या और काम यहाँ पर चिनावल में किस किस तरह के होने वाले हैं। तो बात करेंगे हम यहाँ पर खैरनार सर से, जो हमें पूरी डिटेल बताएंगे यहाँ पर। आज रोजी ग्राम पंचायत चिनावल येथील खिरोदा रस्त्यावरील आंबेडकर नगर येथे आपण रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाचं कामाचं भूमिपूजन करण्यात आलेलं आहे। सदर कामावरती 5 लाख रुपयाची तरतूद आहे आणि आता परत आपल्याला पुढे या ठिकाणी शौचालयाचे सुद्धा बांधकाम करायचं आहे। तर शौचालयाच्या कामालाही लवकरच आपल्याला ग्रामपंचायतमार्फत सुरुवात करायची। किती निधी आपल्या ग्रामपंचायतला भेटे आतापर्यंत भेटलेली आहे आणि आपण आता कोणकोणते काम गावामध्ये विकास काम केलेले आहे? आता दलित वस्ती अंतर्गत आपल्याकडे 15 लाख रुपये निधी मंजूर आहे, त्यापैकी आज जे आपण भूमिपूजन केलेलं आहे ते 5 लाख रुपयाचं रस्ता काँक्रीटीकरण आणि 2 शौचालयाचे युनिट मंजूर आहेत 5-5 लाख रुपयाचं। त्यापैकी 5 लाख रुपयाचं एक शौचालय आपल्याला इकडच्या भागात बांधायचं आहे आणि दुसरं आपल्या तिकडच्या रस्त्यावरती एक दुसरं सावखेडा रस्त्यावरती एक शौचालयाचं 5 लाख रुपयाचं युनिट बांधकाम करायचं आहे। देख सकते हैं हम यहाँ पर चिनावल की जो ग्राम पंचायत है कुछ दिनों से चर्चे में थी, लेकिन अब यहाँ पर जो ग्राम पंचायत ने एक जिम्मा उठाया है विकास कामों का, तो लगातार यहाँ पे चिनावल में जो है बार बार एक तरह का विकास होने जा रहा है और एक नई दिशा की तरफ चिनावल ग्राम पंचायत जा रही है। देखते रहिए न्यूज़ एनी टाइम नज़ीर शेख के साथ।